हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज हम आपके लिए एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेके आए हैं। इसे ब्रेकफास्ट में बिहार के अंदर स्ट्रीट फूड की तरह इसे सर्व किया जाता है, पर ये ऐसी रेसिपी है जिसे आप लंच में भी खा सकते हैं, डिनर में भी खा सकते हैं और कीटी वगैरह में भी बना के सर्व करिए, तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है। अब इसको बनाने के लिए हमने मैदा और गेहूं का आटा यूज़ किया है। आप चाहे तो एक खाली गेहूं के आटे से भी ये खस्ता बना सकते हैं, खाली मैदे से भी बना सकते हैं और दोनों को मिक्स करके भी बना सकते हैं, पर ये ज़्यादा टेस्टी मैदे से लगता है, और या तो मैदा और गेहूं का आटा मिक्स करके। यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसके अंदर मैंने 1/2 कप गेहूं का आटा डाल दिया है। आप चाहो तो गेहूं का आटा और मैदे की क्वांटिटी सेम भी रख सकते हो। अब हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून ऑयल और 1 टेबलस्पून घी डालूंगी। मैंने यहाँ पे 1/2 टीस्पून नमक डाला है। यहाँ इसके अंदर करुंजी का बहुत मेन रोल है, तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून करुंजी डाली है। करुंजी का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही अच्छा आता है। ये रेसिपी में करुंजी का ही मेन इंग्रेडिएंट्स मानते हैं हम, क्योंकि करुंजी का ही एक बहुत अच्छा इसके अंदर फ्लेवर है। अब यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून घी डाला है और 2 टेबलस्पून ऑयल। मैंने ये नॉर्मल जो हमारी पोहे वाली चम्मच रहती, पोहे खाते हैं वो चम्मच ली है। अगर आप गेहूं का आटा ज़्यादा लेते हैं तो ऑयल की क्वांटिटी आपको 1 चम्मच बढ़ा देनी है, क्योंकि गेहूं के आटे से उतना अच्छा क्रिस्पी और खरारापन नहीं आएगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा मोन हमें ज़्यादा डालना है। और अब हम इसे गर्म पानी से एक कड़क आटा गूंद लेंगे। हमें पराठे के जैसा कड़क आटा गूंदना है। अब इसके छोटे छोटे हम लोए बना लेंगे, अच्छे से मसल के उसके बाद हम इसके छोटे छोटे लोए बनाएंगे। आप चाहे तो इसकी साइज़ बड़ी छोटी कर सकते हैं। अब हम इसके खस्ते बना लेंगे, खस्ता पूरी जिसे बोलते हैं वो बनाएंगे। ऐसे छोटे छोटे लोए लेके हम इसे बेल लेंगे। न हमें बहुत मोटी बेलना है, न हमें पतली बेलना है। आप चाहे तो एक बार में सारे खस्ता बना के रख दीजिए, बाद में उसे आप फ्राई करिए। सारे खस्ता एक साथ बना लीजिए और बाद में इसे फ्राई कर सकते हैं हम एक साथ, और या तो आप 2-2, 3-3 भी फ्राई कर सकते हैं। अब हम इसे फ्राई करेंगे। यहाँ पे फ्राई करने के टाइम पे मैंने 1/2 तेल और 1/2 घी लिया है। आप इसे ऊपर से हल्के हल्के हाथों से प्रेस करिए, जिससे वो अच्छे से करारी और थोड़ी सी फूल जाए। ये नॉर्मल पूरी के जैसी नहीं फूलेंगी, क्योंकि हमने इसमें करुंजी डाली है, इसलिए वो हल्के हल्के इसमें बबल्स, फूले फूले बबल्स आएंगे। ऐसे ही वो खस्ता बनते हैं, और इसे अच्छे से डालने के टाइम पे फास्ट फिर धीमी आंच पे ऐसे क्रिस्पी करके हम सारे खस्ता रेडी कर लेंगे। हल्के हल्के हाथों से ऐसे करने से वो अंदर से एकदम अच्छे से फूल जाता है। हमें प्रेस नहीं करना है, एकदम हल्के हाथों से ही उसको ऊपर से थोड़ा थोड़ा दबाना है। बहुत ज़ोर से प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हल्के हाथों से उसे इस तरह से करना है। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सारे खस्ता रेडी कर लेंगे। बस हमें ध्यान रखना है, इसे हमें अच्छे गुलाबी लाल तलना है। अब हम सब्जी बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, उसको मैंने छाल के साथ धो के इस तरह से बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है, और चने की दाल ली है। यहाँ पे मैंने 1/2 कटोरी चने की दाल ली है, उसको मैंने 4 से 5 घंटे भिगा के रखा था। ये भीगी हुई चने की दाल लेना है, और अब हम इसकी सब्जी बनाएंगे।
ये सब्जी बनाने के लिए मैंने कुकर में तेल डाला है, उसके अंदर 1 टीस्पून जीरा और यहाँ पे मैंने 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून करुंची ली है। अब उसके अंदर मैंने 1/4 टीस्पून हींग डाल दी है। अब ये जब सारी चीज़ें अच्छे से तैयार हो जाए उसके बाद हम उसके अंदर एक मसाला डालेंगे, लिक्विड बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 2 टीस्पून धनिया पाउडर और थोड़ा सा नमक, इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने एक लिक्विड घोल बना के इसके अंदर डाल दिया है। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से उबलने देंगे। जब ये उबल जाए तब इसमें हम भीगी हुई चने की दाल डाल देंगे। अब यहाँ पे मैंने नमक डाला है। नमक आप टेस्ट अकॉर्डिंग डालिए, आपने पहले भी थोड़ा सा डाला है अभी भी तो आप नमक को टेस्ट चेक करके डालिए। अब यहाँ पे मैंने लहसुन की पेस्ट है वो मैंने 1 चम्मच लहसुन की पेस्ट डाली है। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम 5 मिनट तक उबलने देंगे। उसके बाद हम इसके अंदर जो हमने बारीक छाल वाले आलू काट के रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये सब्जी के अंदर ये छाल का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और अभी नए आलू मार्केट में मिलते हैं तो आप उससे ये वाली सब्जी बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनती है। अब हम कुकर में 2 से 3 सीटियाँ ले लेंगे। ये देखिए खोलने के बाद हम चेक करेंगे हमारी दाल पक गई है कि नहीं। जब हमारी दाल पक जाती है तब हम उसके अंदर इमली के 2 छोटे छोटे टुकड़े डालेंगे। पहले से हम इमली नहीं डालते हैं क्योंकि नहीं तो दाल पकती नहीं है, सीझती नहीं है। इसके लिए खट्टापन हम बाद में डालेंगे। आप अगर इमली डालना चाहे तो इमली, टमाटर डालना चाहे तो टमाटर और नींबू का रस डालना चाहे तो नींबू का रस। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी, थोड़े कड़ी पत्ते और थोड़ी सी बारीक कटी हुई हरी धनिया, सब चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स करके धीमी आंच पे 5 से 10 मिनट उबलने देंगे और हमारी वो सब्जी रेडी हो गई है। अब वो सब्जी और ये खस्ता आप चाहे तो नाश्ते में, डिनर में, लंच में कभी भी सर्व कर सकते हैं। ये बहुत टेस्टी है और एकदम एक डिफरेंट सब्जी और ये खस्ता है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो आप इसे बार बार बनाना चाहेंगे क्योंकि इसके अंदर ये छाल का, इसके आलू की छाल के साथ जो हमने ये सब्जी बनाई है उसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और करुंजी और सौंफ के साथ बनी हुई ये सब्जी बहुत टेस्टी लगती है। साथ साथ ये जो खस्ते बनाए हैं वो भी बहुत टेस्टी है फ्रेंड। तो आप इस रेसिपी को इस तरह से ज़रूर ट्राई करिए। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।